ये अजमेर का बहुत ही खूबसूरत सा झील है जो अजमेर में आने वाले हर एक टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमर एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन साइट। तो आज हमें अन्ना सागर लेक यहाँ अजमेर में, और आज हम इस लेक को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से आया जाता है यहाँ पे, और क्या क्या अट्रैक्शन और यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती है, और यहाँ पे आने का टोटल एक्सपेंस क्या है। ये सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पे अजमेर दरगाह की ज़ियारत करने आए थे, और आज हम यहाँ से अजमेर के दिल्ली गेट से हम इस इलेक्ट्रिक रिक्शे के थ्रू अन्ना सागर लेक तक पहुँचेंगे। इस रिक्शा का किराया सिर्फ 40 रुपीज़ है, जो हमें अन्ना सागर लेक चौपाटी के पास ड्रॉप करेगा मात्र सिर्फ 40 रुपीज़ में। अन्ना सागर आने के दो रास्ते हैं। एक तो है ये अन्ना सागर चौपाटी, जहाँ पे आपको एंट्री फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दूसरा है यहाँ पे अन्ना सागर बारादरी, जहाँ पे 25 रुपीज़ का टिकट लिया जाता है। तो आज हम सबसे पहले इस अन्ना सागर चौपाटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम अन्ना सागर जो बारादरी है, जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ, आज हम अभी इस वक्त हम अन्ना सागर चौपाटी को पहले एक्सप्लोर करते हैं। ये जो अन्ना सागर चौपाटी का जो ये वॉक थ्रू है, यहाँ पे एक आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक खूबसूरत सा शाम यहाँ पे बिताने के लिए, ये एक आइडल जगह है अजमेर में। दूसरी चीज़, यहाँ पे बोटिंग होती है, और आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आइलैंड है जहाँ पे इस बोट के थ्रू जाया जा सकता है। तो हम यहाँ से बोटिंग करके उस आइलैंड पे जाएंगे, और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है उस आइलैंड पे, हम जाके उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए यहाँ से हम बोट का टिकट लेते हैं और उस आइलैंड पे चलते हैं। तो हमने यहाँ से 120 रुपीज़ का टिकट ले लिया है बोट का, और अभी हम उस आइलैंड पे चलते हैं। तो ये सामने हमारी बोट रेडी है उस आइलैंड पे चलने के लिए। तो चलिए जल्दी से बोट पे बोर्ड हो जाते और उस आइलैंड पे चलते हैं। तो हम इस आइलैंड पे अभी पहुंच गए हैं, और यहाँ से अभी हम गार्डन के अंदर चलते हैं। तो आइए मेरे साथ हम इस पूरी गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। ये काफ़ी बहुत ही खूबसूरत सा जगह है एक्चुअली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पीसफुल, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। वाह, इसकी एंट्री तो काफ़ी खूबसूरत है, और ये काफ़ी बड़ा जगह है, काफ़ी बड़ी आइलैंड है एक्चुअली। और आइए जस्ट अंदर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है। आइए मेरे साथ। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, राइट साइड में एक काफ़ी बड़ा सा चिल्ड्रंस का प्ले एरिया है जो आप देख सकते हैं, और एक राइट साइड में इसका एक गार्डन है। और चलिए हम आगे चलते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, और हमें क्या देखने के लिए मिलता है। यहाँ सामने हमें एक फूड कोर्ट दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, टी, कॉफ़ी वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आइए और आगे एक्सप्लोर करते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको राजस्थानी कॉस्ट्यूम्स भी मिल जाएगा रेंट पे, जो आप पहन के इसका फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। दिस इज़ रियली वेरी नाइस। ये अन्ना सागर लेक एक्चुअली एक आर्टिफिशियल लेक है। इसे 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था बाय अन्नाजी चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान जी के वंशज थे, और ये काफ़ी खूबसूरती से इसे बनाया गया एक्चुअली। दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। एक आइलैंड को बीच में सोचा हुआ है, और उसके पूरी तरफ एक बहुत ही अच्छा ये इतना ब्यूटीफुल लेक बनाया गया है। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड प्लेस इफ़ यू रियली वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइस पीसफुल इवनिंग।
आई थिंक ये बहुत ही अच्छा जगह है। तो मैं यहाँ से कम एक घंटे का समय यहाँ पे मैं बिताऊँगा और उसके बाद हम फिर यहाँ से चलेंगे। तो आइए कुछ समय यहाँ पे आप बिताते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो अन्ना सागर चौपाटी है, यहाँ पे आने का कोई भी एंट्री फीस नहीं है। हमने सिर्फ बोट का 120 रुपीज़ हमने पेमेंट किए थे, जो आपको इस आइलैंड तक ले आएगा और वापस आपको ले जाएगा। आइलैंड पे भी आपको कोई भी एंट्री फीस की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बोट की टिकट दिखानी है और इस आइलैंड के अंदर आना है, और इस आइलैंड के अंदर आपको कोई भी एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं देना है। और यहाँ पे आके यहाँ पे स्नैक्स की कॉफ़ी आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फूड कोर्ट है और यहाँ पे आप जितना चाहे उतना समय यहाँ पे बिता सकते हैं। यहाँ पे टाइम का कोई लिमिट नहीं है। मैं ऑलमोस्ट एक घंटे से ज़्यादा का समय मैं बिता चुका हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चलूँगा। तो इस टिकट में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको सिर्फ इतना मिनट या इतना घंटे आपको बिताना और आपको दोबारा जाना है। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा आप बोट से अन्ना सागर चौपाटी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा बिताने के बाद अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, एक बहुत ही पीसफुल ये आइलैंड है और यहाँ पे आके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड इज़ अ रियली वेरी नाइस प्लेस। ये अजमेर का मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जगह था एक्चुअली। तो चलिए अब यहाँ से वापस हम बोट लेते हैं और दोबारा अन्ना सागर चौपाटी की तरफ चलते हैं। तो दोबारा हम अन्ना सागर चौपाटी की तरफ आ गए और ये यहाँ का वॉक थ्रू है। तो आइए कुछ देर यहाँ पे वॉक करते और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि दिस इवनिंग इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं सनसेट हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। और सामने आप जो देख रहे हैं ये है अन्ना सागर बारादरी। तो यहाँ से उस तरफ जाने का कोई एंट्री नहीं है, यहाँ से आप उस तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे आने का दूसरा रास्ता है। तो हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे कल शाम में हम उस तरफ जाएंगे और अन्ना सागर बारादरी को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप इस जो अन्ना सागर चौपाटी का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं और कल हम अन्ना सागर बारादरी की तरफ जाते हैं। तो आज हम दोबारा अन्ना सागर लेक की तरफ चल रहे हैं और इस बार हम बारादरी गेट से अन्ना सागर में एंटर करेंगे। तो जो बारादरी गेट है वहाँ से आपको अंदर जाने के लिए 25 रुपीज़ का फ़ीस देना होगा। और ये जो अन्ना सागर बारादरी है, ये अन्ना सागर चौपाटी से भी ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये जगह है एक्चुअली। और मेरे ख्याल से ये एक कपल के लिए एक आइडल इवनिंग स्पेंड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड पीसफुल जगह है। तो आइए अन्ना सागर बारादरी की तरफ चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अन्ना सागर लेक है, ये पृथ्वीराज चौहान जी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने इसे बनाया था। ये AD 1135 से शुरू हुआ था और 1150 में ये ख़त्म हुआ था। इसके बाद 1637 में जब एम्परर शाहजहाँ यहाँ पे आए थे तो इस जगह को देख के काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये मार्बल का जितना भी आप काम यहाँ पे देख रहे उनके दौरान ये किया गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे एक दीवाने खास भी बनाया गया था मार्बल से। तो मार्बल की फ्लोरिंग और ये बाकी जो भी आप मार्बल के जितने भी स्ट्रक्चर्स देखते हैं ये वापस दोबारा 1637 में वॉज मेड बाय एम्परर शाहजहाँ और फिर इसे बारादरी का नाम दिया गया था। तो ड्यूरिंग आई थिंक समर्स या विंटर्स में जब भी वो छुट्टी मनाना चाहते थे और छुट्टी मनाने के लिए वो यहाँ पर आते थे। तो जो भी मुगल किंग उसके बाद जो भी हुए तो छुट्टी मनाने के लिए वो इस जगह पे आते थे, बिकॉज दिस वॉज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी पीसफुल प्लेस ऑफ अजमेर।
मुगल्स के बाद ये जो अन्ना सागर लेक है ये ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया और जो ब्रिटिशर्स के जो कमिश्नर्स थे वो इसे मेंटेन और इसकी देखभाल करते थे। और आज की तारीख में ये जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है और उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा है। इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन, काफ़ी क्लीन और एक बहुत ही अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है। यहाँ अन्ना सागर बरादरी के पीछे ही आपको दौलताबाग का नाम का एक बहुत बड़ा गार्डन आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो मुग़ल काल में ही बना था। बट आप बरादरी से उस गार्डन की तरफ डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, तो उसकी जो एंट्री है वो दूसरे तरफ से, तो आपको बरादरी से बाहर जाके फिर लेफ्ट से जाके आपको गार्डन के अंदर वापस एंट्री फीस भर के आपको गार्डन में जाना होगा। तो वो गार्डन भी आप यहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ पर भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि वो भी काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं और कल हमने यहाँ पे बोटिंग करके हम आइलैंड पे गए थे, तो कल का बोटिंग करके हमारा मन नहीं भरा है। आज हम वापस यहाँ पे बोटिंग करेंगे लेकिन हम आइलैंड पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो बोटिंग है ये 20 मिनट्स का एक राउंड ये लोग लेंगे ये पूरे लेक का, और 20 मिनट्स का राउंड के बाद हमें वापस ला के इस बारादरी पे यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। तो चलिए वापस से हम एक बार फिर बोटिंग पे चलते हैं। तो ये जो अन्ना सागर का जो बोटिंग है यहाँ पे, जो आपको ये लेक का पूरा व्यू दिखाते हैं एक 20 मिनट्स के राइड के लिए, इसका कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो कल हमने जो आइलैंड का जो राइड किए थे बोट का, उसका भी सेम चार्ज था 120 रुपीज़। इस बोट के अलावा आप यहाँ पे स्पीड बोट की राइड भी कर सकते हैं जिसका कॉस्ट है 300 रुपीज़, और उसका जो टाइमिंग है इट इज़ अप्रॉक्स 8 to 10 मिनट्स। तो स्पीड बोट से भी आप इस लेक का व्यू आप देख सकते हैं। इस लेक का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि ये जो लेक है ये तीनों साइड से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सोच के बनाया गया है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे इसके सराउंडिंग्स में तो ये तीनों साइड से अरावली के पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके बीच में ये लेक है, और ये चीज़ है जो इसे इतनी खूबसूरत बनाता है एक्चुअली। और ये एक बहुत ही बेहतरीन जगह है एक बहुत अच्छा समय स्पेंड करने के लिए। ये वही आइलैंड है जिसे कल हमने एक्सप्लोर किया था, और ये बोट जस्ट इस आइलैंड के नज़दीक से ही जाता है और 20 मिनट्स के अंदर ये पूरा एक ये लेक का राउंड लेके हमें वापस बरादरी के यहाँ पे छोड़ देगा। तो यहाँ पे बोट राइड करना आई थिंक ऐसा मस्त, क्योंकि ये बोट राइड करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है, इतना पीसफुल ये जगह है, इतना खूबसूरत है ये जगह कि आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे बोट राइड आप ज़रूर कीजिए। तो ये ब्यूटीफुल इवनिंग स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, और आई होप ये इवनिंग आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया और ये वीडियो को भी आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों और आपके फैमिली मेंबर्स को आप इसे शेयर कीजिए। अगर मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूट गया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद हम कल पुष्कर चलेंगे और हम पुष्कर को भी कवर करेंगे और उसका वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने ले आऊँगा। और जब भी आप अजमेर आएंगे तो इस जगह पे आप ज़रूर आइए क्योंकि ये सीरियसली बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए फिर तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।